हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित जालौर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जालौर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक जालौर जिला के नाम से जाना जाता है। जालौर जिला राजस्थान के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। जालौर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस जालौर शहर में मौजूद है, और जालौर जिला जोधपुर मंडल के अंतर्गत आता है। जालौर जिला के पड़ोसी जिले के नाम सिहोरी जिला, पाली जिला, बाड़मेर जिला, गुजरात का बांसकांडा जिला और कच्छ जिला से घिरा हुआ है। जालौर जिला में 5 उपमंडल, 7 तहसील, 15 डिग्री कॉलेज, 39 अस्पताल, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 264 ग्राम पंचायतें और 805 गांव में बंटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो जालौर जिले का कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जालौर जिला की कुल आबादी 18,28,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 9,36,000 और महिला की कुल आबादी 8,92,000 है। जालौर जिले का औसत लिंगानुपात 952 के करीब है, यानी कि जालौर जिला में 1,000 पुरुष पर 952 महिला हैं। जालौर जिला का मुख्य भाषा मारवाड़ी, हिंदी और राजस्थानी है। जालौर जिला के मुख्य नदी का नाम सुकरी नदी व लूनी नदी है। सुकरी नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 488 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 758 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर लगभग आधे से कुछ ही ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ की साक्षरता दर 54% है, जो कि कुछ कम है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार है: SR कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, रविंद्र बीजी विश्वविद्यालय, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, MBA इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सभी जालौर जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के लोगों को और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कराती है। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 112 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो जालौर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम जालौर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म तथा 2 पटरी शामिल है। इसका स्टेशन कोड JOR है, और जालौर रेलवे स्टेशन नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जोन के जोधपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस ज़िला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं, जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। जालौर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: जालौर का किला, संध्या माता मंदिर, कोटस्टा का किला, जहाज़ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, अहोर भवन और भद्रनुज किला। दोस्तों, ये था जालौर ज़िला के बारे में हमारी कुछ जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।